जिस चीज का ना 2 महीने से इंतजार कर रहे थे ना, वो लम्हा आ गया है। तो अभी हम दोस्तों पहुंच गए पेट मार्केट। मुझे पेट मार्केट से सुबह सुबह ही फोन आया, वो कह रहा जल्दी आप आ जाओ। चलो यार, क्या चीज है वलीद, बता नहीं रहे यार आप। ऐसी चीज है जो समझ को दिल से पसंद है, वो अभी जाके देखते हैं अंदर। चलो आगे चलो, आगे चलो, आपने रुकना है यहाँ। आगे आगे आगे, इधर इधर इधर। तो वो कौन सी चीज है बताओ दिया? भाजन वो उकार है, टोनी गल का और ताज वाला, ताज वाला बच्चा है वो। बच्चा जल्दी दिखा, छोटा बेबी, छोटा बेबी, इतना बड़ा छोटा बेबी। ताज वाला ये कौन सा है? पता नहीं, मैंने पहली दफा नाम सुना ताज वाला ईगल। ये देखिए सर, इसके पंजे भी देखते हैं, इसके पर भी देखते हैं, और इसका ये मतलब देखने वाली कितना। अरे भाई मुझे तो देखते ही भाई दिल आ गया, इसमें दिल आ गया। ले लो, ले लो यार, ले लो। व्हाइट ईगल है ना, व्हाइट ईगल ना, व्हाइट और भूरा बनेगा ये, व्हाइट और ब्राउन बनेगा सारा। व्हाइट मतलब नहीं, जो इसका नीचे सीना है ये सारा व्हाइट है और ऊपर से भूरा। ये तो अपने हाथ से हैंड टेम हो जाएगा ना। हाँ, हम पालेंगे ना इसको, हम दोनों खुश हैं, समद और मैं दोनों खुश हैं, क्योंकि समद ईगल लवर है और मुझे भी ईगल का बहुत शौक है, क्योंकि पहले बहुत होते थे। इस दफा बच्चा हम लेने वाले हैं, दे दो भाई दे दो। अभी ये सिर्फ 15 दिन का बच्चा है। इसको खिलाया भी अच्छा खासा, ये देखो। हाँ बस सही है। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसे, अभी ये कितने दिन का बच्चा है? 15 दिन का ना? हाँ, तकरीबन इतना नहीं है। तो ये कितने दिन में वैसे तैयार हो जाएगा फुल बड़ा? आपको 20 दिन में और जरा सही हो जाएगा, पर्चा निकल आएंगे जरा। बस सही आओ जल्दी से, मिनी जू में आओ, इसकी जगह भी बनानी है। तो उससे मुझे बहुत पसंद आया ये, वो आके ना मेरे हाथ पे ही बैठ गया पहले पहले ही। और कुछ लेना है? नहीं नहीं, सीधा सीधा मिनी जू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो भाई हम सुबह सवेरे ही अपना न्यू ईगल लेके आ गए हैं। अभी बेबी ईगल बेबी, हाँ सॉरी। कितना प्यारा यार, इसकी चूंच मुझे बहुत प्यारी लगी। एक बार बता मुझे, कुछ मुझे खुद भी बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने सोचे समझे बगैर इसको ले लिया। और दोस्तों आपने लाजमी बताना है हम अपने ईगल बेबी का क्या नेम रखें। ओहो जल्दी, हमारे पेट्स इंतजार कर रहे हैं हमारा। ओरियो को भी दिखा दो, ओरियो को दिखा दो। ओरियो क्या कर रहा है, दिखाओ ना इसको, हम क्या ले आए हैं। ये देखो ओरियो, ये देखो। नहीं नहीं, वो खाने की सोच रहा है ओरियो। नहीं नहीं। हेलो फ्लफी, कैसी हो? दोस्तों फ्लफी की एक बात बहुत गंदी है, ये अटैक करती है हमारे पेट्स के ऊपर। मैं ना कभी आपको दिखाऊंगा जब ये अटैक कर रही होगी ना, अभी तो मेरे से प्यार कर रही है। हाँ बस इधर ही बिठा दो इसको, इधर ही सही बैठा है। एक मिनट दोस्तों, फिलहाल हम इसका घर नहीं बना रहे, क्योंकि जब तक हमारा फार्म कंप्लीट नहीं हो जाता ना, हम किसी चीज का भी घर नहीं बना सकते, क्योंकि मिनी केजेस भी यहीं हमने रोक दिए हैं। हाँ दोस्तों, फार्म का काम ना आज थोड़ी देर बाद, मतलब 1 या 2 घंटे बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने पूरी रात काम करना आज, मतलब रात को इसको ना कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। बस मामू आने वाले हैं। अरे गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर? नहीं गुस्सा, इतनी छोटे हो के तुम गुस्सा कर रहे हो। दोस्तों इसने मुंह तो ऐसे खोल दिया जैसे बड़े बड़े ईगल गुस्सा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, काट ले, चल काट ले, काट ले, काट ले। दोस्तों इतना ज्यादा ये बिल्कुल नहीं काटता। समद आपने इसको हैंड टेम करना है लाजमी। वो तो हो जाएगा, मैंने ये क्या हुआ, ये लो। इनको बड़ी जल्दी होती है बाहर निकलने की, ये ना ऊपर चढ़ जाते हैं फौजियों की तरह। चलो बाहर आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस टाइम दोस्तों इनको खोल देना चाहिए। इधर आओ, एक और खुशखबरी सुनाओ। एक और खुशखबरी, गुड न्यूज आई है, और समद को पता पहले लग गया, मेरे से भी ये पहली दफा हुआ, आपने देख लिया। वाजा अंदर जाओ, आपको पता चल जाएगा। अंदर जाओ, अंदर तो वही प्याले में, देखो प्याले में, इसके अंदर। हाँ, एक और अंडा है। अरे भाई साहब, ये कैसे हो गया, नामुमकिन है ये तो। दोस्तों मैंने सुना था कबूतर 2 अंडे देते हैं, लेकिन ये 3 अंडे एक कबूतर के नीचे। यार मुझे लगता है ये और पेयर है पड़ा, 2 पेयर एक ही जगह पे अंडे दे रहे हैं। सुबह लड़ाई हो रही थी है ना। हाँ, वो कबूतर जो, हाँ उस वो तो, ये और पेयर है, वो और पेयर है। ये देखो उसका नर ये खड़ा है, उसका नर ये खड़ा है। हाँ। मतलब इसकी जो मादी, ये भी नर है, ये भी नर है, दोनों नर तो अंडे नहीं दे सकते ना, मतलब इसकी मादी और इसकी मादी बाहर है पड़ी, आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या करें, मादी एक वो रही। हाँ। अब मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, यहाँ जगह बना देता हूँ और अंडों वाली, ये इधर। नहीं इतना नहीं लड़ेंगे, साथ साथ सही है। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ सही है, और ये जगह बन गई, और एक अंडा यहाँ से उठा के ना ये, अरे ये तो खराब है अंडा, टूट गया ये, टूटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है देखो।
ओ ये तो टूटा हुआ है, ये तो वेस्ट है बड़ा। चलो दोस्तों जो और कबूतर होगा ना बस वो यहाँ दुआ करो अंडे दे दे। ब्रीडिंग का सेटअप हमारे पास इतना खास नहीं है, इसी वजह से हम ये केजेस रैनी वेट करवा रहे हैं ताकि हमारे पेट्स आराम से अंडे वगैरह दे सके और ब्रीड कर सके। जो अभी अंडा उठाया किधर गया है वो? वो पड़ा है, क्या करना है? वो एक ही काम आएगा दोस्तों, आपको पता तो लग ही गया होगा, अंडे को शौक से कौन खाता है? हमारा मिस्टर जिमी खाएगा। ओ दोस्तों टोमी समझ रहा है ये बॉल है, मेरे साथ खेलेगा। ओ ये जिमी कहाँ छुप गया, इसको मांडा खिला रहा है, ये कहाँ छुप गया? इसकी नीयत नहीं है खाने की यार, मुझे लगता है इसको दिल ही नहीं कर रहा। जिमी ये लो, ये लो। ये क्या कर रहा है, वो ऑपरेशन भी क्यों कड़ा है आज? ये पता नहीं वाइब्रेट हो रहा है आज। जिमी ले लो यार तुम, ये लो। जो दोस्तों अंडे टूट जाते हैं ना वो जिमी के ही काम आते हैं, हम तो वेस्ट पैसे कर देते हैं। मैं सोचा जिमी खा ले, इसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये सही है, नहीं बैठ सकेगा बच्चा अभी, नहीं बैठ सकेगा यार, या नहीं बैठ सकेगा, रहने दो अभी बच्चा है, इसके पंजे में दाम ही नहीं है ना। चल आओ फिर आओ। ओ आपने तो जिमी कितना उसको लटका दिया। आओ चलो चलो अपनी जगह पे। बिग हाउस में दोस्तों हमने बहुत सारे पेट्स रखे हुए हैं, बस थोड़े दिनों की बात है जब हमारे ना मिनी केजेस बन जाएंगे इनको फिर उन्हीं के अंदर रखेंगे। अभी सारे यही हैं, ये देखो लक्कों का तो दिल लग गया बिग हाउस में। मैंने यहाँ भी जगह बना लिया, इधर भी मैंने कल जगह बना दिया था। हाँ सही बात, बैठ जाते बाहर का माहौल देखते है क्या हो जाए, इंजॉय करते है ना भाई। यार स्वीटी तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? चलो आ जाओ, आ जा बहुत शरारती है। हाँ ये बहुत शरारती है, और हमारा टोमी नजर नहीं आ रहा। टोमी ये पड़ा है, टोमी इसको भी बाहर निकालो। टोमी बाहर निकल जाता है, मैंने इसको यहाँ पे तार लगा के ना बंद कर दिया, रैबिट्स के पीछे भाग रहा था। इसको खोलो खोलो, आ जाओ टोमी। टोमी 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 और टोमी तो ओरियो के पीछे है। नहीं 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 टोमी उसके पास नहीं जाना, फ्लफी के पास यार दूर करो फ्लफी को। खेल रहा है ये, खेल रहा है यार। हाँ खेल रहा है, हमारा टोमी हर किसी के साथ खेलता है। और स्यूटी मेरे साथ खेलती है, मेरे ऊपर चढ़ गई है भाई। और यार क्या कर रहे हो? तो यार समझ के काम देखो, फ्लफी और टोमी को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। पकड़ो। क्या हुआ क्या हुआ? वो देखो हमारे लक्कों ने अंडा दिया है, मैं अभी आया, मेरी ने प्लेट में दिया यार। ओ भाई साहब, दोस्तों हमारे लक्के कबूतरों ने अंडा दे दिया, इसकी मैं यही जल्दी से जगह बना देता हूँ। जाओ जल्दी प्याला ले आओ, वो प्याला जो हाँ। के लिए। हाँ। दोस्तों उस मादी ने अंडा दिया, पता नहीं इसमें से कौन सा नर रह पड़ा, मुझे लगता है इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं। अभी रुको 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 रुको, सबर करो, तुम्हारे लिए जगह बन गया, समझ वो लेके आ गया। इसके अंदर यार वो पलाली की जरूरत पड़ेगी बस। है, ये पड़ी है बस, सही है सही। अब प्लेट उठाओ, वो मार रही है ना, वो कह रहे अंडा ना छेड़ो मेरा, वो पर भी मार रही है, पर मार रही। हाँ हाँ यार आराम से उठा लो, डर क्यों रहे हो आप उसे? रुको मैं उठाऊं अंडा इसके अंदर रखो, जल्दी से रखो रुको रुको, ज्यादा हिलाना ना, बस प्लेट साइड पे करो, ये वहां रखो, मैं इसको इसके ऊपर बिठा देता हूँ अंडे पे, बस रखो रखो रखो, ये इधर ही। चलो यार ये हटाना पड़ेगा, ये क्या प्लास्टिक सा, ये मैंने नीचे बिछाया था ना मट्टी की। हाँ बस दोस्तों इसकी मस्त जगह बन गई है, आप भी बैठे रहो भाई, हम तुम्हें नहीं छेड़ने वाले, ये सारा कुछ बाहर फेंक देते हैं। शुक्र है दोस्तों मेरे मामू आ गए हैं, आपके इंतजार 3 दिन से कर रहे हैं, फार्म पता नहीं कब बनेंगे। जो मेरे पांव पे चोट लगी थी इसलिए मैं नहीं आ सका। ओहो दोस्तों मामू के पांव पे चोट थी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, तो अब बता दो, सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं पता नहीं फार्म कंप्लीट ही नहीं हो रहे, 4 दिन हो गए। कोई बात नहीं, दे सही तो अच्छा बन जाएगा, बस सही अच्छा लगना चाहिए। आ जाओ आ जाओ। अब दोस्तों हम ना फार्म का काम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ताकि 1-2 दिन में फार्म कंप्लीट हो ही जाए, बस मामू आ गए तो आप बस जल्दी हो जाएंगे। लैम्बो को खोल ही दो, ये तो एक जगह पे खड़ा रहता है पता नहीं क्यों, इसको जरा हम रोज ना घुमाया करेंगे। जब ये मेरे पास आता है मेरे दिल की धड़कन ना तेज हो जाती है, पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है इसे इतना। ये आजकल ना ये मुर्गी जो भी इसके आगे आता है उस चीज को पकड़ लेता है, अटैक करता है। पहले सिर्फ सिम्बा पे करता था। चलो इसको आगे ले चलो, चले पता नहीं दोस्तों इसको अटैक करने वाली गंदी आदत क्यों लग गई है। इसको बांध दो मामू बुला रहे हैं, मामू कह रहे हैं हमारे साथ काम करवाओ, आप बिल्कुल काम करते ही नहीं हो। अभी काम कर रहे, क्या करना है मामू हुक्म करो। मामू बस जल्दी जल्दी ना दूसरा फ्रेम भी खड़ा कर रहे हैं मुझे लगता है। मामू जी पसंद आना चाहिए फार्म, मैं बता रहा हूँ आपको भी और मामू को भी। वो पसंद नहीं है आपको?
कौन सा वो कहाँ अभी ऐसे ही खड़ा, अभी बना ही नहीं है। दोस्तों समद और मामू मेरे से सरप्राइज मांग रहे हैं, अगर ये अच्छा लगा ना आप मुझे सरप्राइज दोगे। इनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है पड़ा, वो अभी तो नहीं दूंगा, जब फार्म बन जाएंगे ना अगर मुझे पसंद आए इनको फिर दूंगा। तो वो सरप्राइज क्या है अभी आपको भी नहीं पता होगा, इनको भी नहीं पता होगा। हमारे सेटअप पे सबसे शरीफ डक ये वाली है, ये अपने आप में रहती है। देखो देखो अब मैं इसको हाथ भी लगाऊंगा ना कहीं नहीं भागेगी, देखो ये आराम से खड़ी है। मुझे तो लगता है दोस्तों जो और डक्स है ना इसको अपने साथ नहीं रखती, वो देखो वो खड़ी है, ये अकेली अकेली एक साइड पे रहती है। सिम्बा सिम्बा जब एनिमल फार्म बन जाएगा ना फिर तेरे दोस्त आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। अभी दोस्तों सिम्बा अकेला है, जब से गब्बर गया है ना इसको मुझे लगता है दिल ही नहीं लग रहा, उदास उदास रहता है। जब एनी फार्म बन जाएगा ना मैं इससे वादा करता हूँ इसके लिए अच्छे अच्छे दोस्त ले आऊंगा। जिमी हमारा फार्म कैसा लग रहा है आपको, घूमो इसके ऊपर घूमो घूमो, ओए वो बन जाएगा। इसको दोस्तों मजा आ रहा है फार्म पे खेलने का। इन जू के गार्डन में बगैर खुशबू वाले फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं, बगैर खुशबू वाले फूल, मैंने इसी वजह से बोला है इनके अंदर बिल्कुल खुशबू नहीं होती, बस ये खूबसूरती है बड़ी, वो कुछ भी नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल नहीं होते ये आर्टिफिशियल है, बस आर्टिफिशियल है नहीं है तो ओरिजिनल लेकिन आर्टिफिशियल जैसे लगते हैं। ये देखो व्हाइट इसका क्या कलर है, अरे वाह वाह। ओ भाई यहाँ से दोस्तों मैं ड्रिल उठाने आया हूँ, मामू काम कर रहे ना वो मंगवा रहे थे, तो मैंने यहाँ क्या देखा है जो हमारी ये कैट हाउस है ना इसके अंदर हमारा एक रैबिट एक्सपायर हो गया। यानी दोस्तों ये अच्छा भला हट्टा गट्टा था कल जब मैंने इसको देखा था, ओए हाय इसको पता नहीं अचानक क्या हो गया। निकालो यार जल्दी से निकालो। दोस्तों जो आपको जो गंद वगैरह नजर आ रहा है ना ये गंद नहीं है, ये सारा फार्म का सामान है बड़ा। अरे हट जा हट जाओ, ये वाला दोस्तों हमारा रैबिट रात को एक्सपायर हुआ है। चलो मैं दोस्तों अपने कजनों के जिम्मे काम लगा देता हूँ, आप जाओ इसको दफना दो, ठीक है जी। ठीक है ले चलो इसको। समद और मामू तो काम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि उन्हें टॉमी के साथ मैं गेम खेलूं, कल भी हमने इसको ट्रेनिंग करवाई थी। चलो टॉमी ये देख रहे हो, ये देखो ये उरियो के साथ खेलने चला जाओ, टॉमी ये पकड़ो ले आओ, ओ गया इसके मुंह में नहीं आएगा। दोस्तों मुझे ना बॉल छोटी लेके आनी पड़ेगी, कोशिश करते हैं ये। टॉमी टॉमी ये देखो ये जाओ उधर जाओ, ओ गया बने नहीं है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं जब ये फुल बन जाएंगे ना क्या ही लुक देंगे भाई। समद और मामू की मेहनत रंग ला रही है आराम आराम से। जब से मिनी केजेस अलग अलग हुए हैं ना हमारी डक्स बाहर ही रहती हैं रात के टाइम, मतलब ये घूमती रहेंगी इधर 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 ही बात। दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आज का वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलेंगे कल वाले वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज।